प्रताप यादव तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की मुहिम में जुट गए हैं। बुधवार को तेज प्रताप यादव ने बदले तेवर के साथ सामने आए और बोले कि बिहार में तेज रफ्तार और तेजस्वी यादव की सरकार होगी। इसको लेकर तेज प्रताप ने पोस्टर भी जारी किया है। तेज प्रताप ने अपने आवास पर एक कार्यक्रम भी रखा हुआ था। प्रताप ने कहा कि हम लोगों को शुरू से सोच रहा है कि जो गरीब गुरबा हैं और अंतिम पायदान के लोग हैं उनको आगे लाना है। ऐसे लोगों को ऊंचाई पर लाने के लिए हम लोग ने प्रयास किया है। गरीबों को कुछ नहीं मिल रहा, राजद गरीबों की पार्टी है। उन लोगों की पार्टी तो पैसा लेकर फरार होने वाली पार्टी है। गरीब गुरबा को कुछ नहीं मिल रहा है, हम तो रात दिन देख रहे हैं ना हर एक चीज। गरीब का पार्टी है और वो लोग का अमीरों का पार्टी है जो काला धन लेकर भागने का काम किए हैं। तेज प्रताप ने कहा कि पोस्टर पर मेरे पिता लालू प्रसाद का फोटो लगा है, एलपी ब्रिगेड लिखा हुआ है। इसमें पूरा मुद्दा आ जाएगा जो बिहार में स्थिति बनी हुई है। इससे पहले कई सभाओं और बैठकों में तेज प्रताप तेजस्वी को सीएम बनाने की बात कह चुके हैं। गौरतलब है कि तेजस्वी के पिता और पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जेल में हैं और बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी अपने अंदर जान फूंकने के लिए तैयारियां तेजी कर दी हैं। इसके साथ ही तेज प्रताप ने ठान लिया है कि इस बार चुनाव में किसी भी हाल में तेजस्वी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। तेज भैया का जो रफ्तार है कार्यकर्ताओं के हक की लड़ाई को लड़ने का, तेज भैया का जो रफ्तार है लोगों के बीच में आदरणीय नेता लालू प्रसाद, तेज प्रताप यादव भैया का जो रफ्तार वाला जो मेहनत है, ईमानदारी वाला जो मेहनत है, कार्यकर्ताओं के हक की लड़ाई वाला जो रफ्तार है, उस रफ्तार के दम पे सरकार को लाने का काम हम लोग करना। आप लोग देख रहे होंगे एलपी ब्रिगेड द्वारा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।